ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों का 9th और 10th का रिजल्ट आ चुका है। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का पेपर ऑलमोस्ट चेक कर चुके हैं हम लोग, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि लास्ट वीक ऑफ अगस्त या फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर का भी रिजल्ट आ जाएगा इंशाल्लाह। तो बहुत से बच्चों के सवाल आ रहे हैं कि सर हमने अब इम्प्रूवमेंट देनी है, कुछ बच्चों ने कॉलेजेस का पूछना है कुछ। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं कि आप लोग इम्प्रूवमेंट के एग्जाम के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हाउ टू अप्लाई इन सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन, जो कि प्राइवेट स्टूडेंट हैं या रेगुलर स्टूडेंट हैं। रेगुलर स्टूडेंट तो सारी बात है, अपने इंस्टीट्यूट के थ्रू अप्लाई करेंगे। बहुत से बच्चे कह रहे थे कि सर आपने जो पहली वीडियो उठाई है वो नोटिफिकेशन कहाँ से लिया है, तो ये नोटिफिकेशन बोर्ड ने अपलोड कर दिया है, लेकिन हमें सारी बातें पहले आ जाता है जो टीचर्स हैं। तो आप लोगों ने सबसे पहले फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे जाना है, FBISE.edu.pk ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। इसको हम क्रॉस करते हैं। सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन का नोटिस सबसे ऊपर आ रहा है आपके पास, जो कि अभी ओपन है, और ये आप 18 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोगों ने ये ख्याल रखना है। अब स्टार्ट करते हैं कि आप लोगों ने कैसे फॉर्म फिल करना है। तो आपने वेबसाइट पे आके यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन हेयर एडमिशन फॉर्म्स x/private students आपने इसको ओपन किया। आपके पास दो विंडोज आ जाएंगी। ये जो फर्स्ट है ये आपके पास उनके लिए जो कि इंस्टीट्यूट्स के थ्रू अप्लाई करेंगे। जैसे जिन बच्चों ने 9th के पेपर दिए थे, अब वो 10th में जा चुके हैं, तो वो जब 9th की इंप्रूवमेंट देंगे तो वो अपने इदारे के थ्रू ही अप्लाई करेंगे, जो भी उनका स्कूल कॉलेज है जो कि जहाँ पे वो पढ़ते हैं। लेकिन जो बच्चे 10th के थे और अब वो 10th में नहीं रहे, अब वो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे, लेकिन वो 10th की इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं, तो अब वो एक्स स्टूडेंट हो चुके हैं, वो अब किसी इदारे में नहीं रहे। तो आप लोग अप्लाई करोगे यहाँ से, नीचे वाले ऑप्शन से, ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फॉर SSC 2 एनुअल एग्जामिनेशन 2022 x/private students। तो अब जो बच्चे 10 कर चुके हैं वो भी प्राइवेट हो चुके हैं, राइट, और जो सेकेंड ईयर के बाद अप्लाई कर रहे होंगे वो भी प्राइवेट स्टूडेंट के तौर पे अप्लाई करेंगे। तो आप लोगों ने यहाँ पे ऑनलाइन पे क्लिक किया तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। फेडरल बाइज एडमिशन फॉर्म चालान विल बी जनरेटेड ऑटोमेटिकली आफ्टर फाइनल सबमिट। फर्स्ट आपने ये याद रखना है कि पहले आपने चालान अलहदा से करवाना होता था, लेकिन इस बार इन्होंने अच्छी चीज़ ये की है कि जैसे ही आप फाइनल सबमिट करेंगे चालान ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। एंड यू कैन पे थ्रू इजी पैसा और HBL। ओके, तो मैनुअल चालान भी एक्सेप्ट इस दफ़ा नहीं होंगे, तो ये याद रखना आप लोगों ने। सबसे पहले आपके पास कैटेगरी x प्राइवेट ही आएगी या प्राइवेट आएगी। आप 9th की इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं या 10th की देना चाहते हैं, आपने सेलेक्ट कर लिया। अगर आप दोनों की देना चाहते हैं तो ये दो दफ़ा फिल करेंगे आप, 9th के लिए एक दफ़ा, देन 10th के लिए एक दफ़ा। एनीवेज आपने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे या यहाँ पे, मैं 9th को सिलेक्ट कर रहा हूँ। रजिस्टर्ड है और आपने इसको प्रोसीड कर दिया। प्रोसीड करने के बाद आपके पास ये विंडो आ जाएगी जिसमें आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर वो मांग रहा होगा 9th का। 10th के स्टूडेंट अप्लाई करेंगे तो वो 10th का भी आपसे मांगेगा, और रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जो रिजल्ट कार्ड है या रिजल्ट मार्कशीट है उसके टॉप पे 2nd नंबर पे लिखा होगा। तो मैं इधर रैंडमली एक मैंने कॉपी पे किया हुआ है एक बच्चे का, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो उसको आप अगर प्रोसीड करेंगे तो आपके पास क्लिक हेयर टू प्रोसीड का ऑप्शन आ जाएगा, और ये आप क्लिक कर देंगे। इसको क्लिक करने के बाद आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, आपके फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और रिलीजन, ये जो नीचे वाली साइड है ये आपने सारी खुद फिल करनी है। सबसे पहले आप रिलीजन सेलेक्ट कर लेंगे, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, नेशनैलिटी पाकिस्तानी, CNIC आप नंबर ऐड करेंगे, ईमेल नंबर ऐड करेंगे, फादर का मोबाइल नंबर ऐड करेंगे, एरिया सेलेक्ट करेंगे कि आपका कौन सा एरिया है जहाँ पर आप रह रहे हैं। फेडरल है, पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है। पंजाब सेलेक्ट करते हैं तो सेंटर पंजाब के आ जाएंगे, जो कि रावलपिंडी, वाक एंड इस्लामाबाद में नहीं, सॉरी, जो पंजाब में है, मियाँ वाली, झेलम, सरगोदा, लाहौर, ये तमाम वो सेंटर हैं जिधर वो जो सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन के लिए आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे जैसे ये फिलअप होते जाएंगे तो बोर्ड और सेंटर शो करता जाएगा। अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता, लेट्स सपोज फेडरल, तो ये सिर्फ इस्लामाबाद के कुछ कॉलेजेस वगैरह शो करेगा। ठीक है, अभी अपलोड हो जाए तो यस, ये देखें अब ये सिर्फ इस्लामाबाद, बाराकऊ जो इस्लामाबाद में आता है, कोरंग टाउन, ये तमाम सिर्फ उधर के शो करेगा। अगर मैं पंजाब सेलेक्ट करूँगा तो पंजाब। तो आपने एरिया केयरफुली सिलेक्ट करना है। देन एड्रेस आप अपना जो परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। कंप्लीट ग्रुप आपका वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होगा, जो आप साइंसेज है या आर्ट्स है या प्री जो भी है। अच्छा ये आ जाएंगे आपके 8 सब्जेक्ट जिनके आपने पेपर दिए थे। फीस जो है वो 1500 है। 1500 फीस में आप एक पेपर, दो पेपर या 8 के 8 पेपर दोबारा दे सकते हैं, राइट। बच्चों का कमेंट्स आ रहे थे कि सर 1500 में एक पेपर, नहीं, आप 1500 जमा करवाएंगे, आप उसके बाद आपकी मर्जी है कि आप जितने मर्जी पेपर्स दें, राइट। अब मैं अगर ये बच्चा चाहता है कि मैं इंग्लिश की इंप्रूवमेंट दूं तो ये इंग्लिश सेलेक्ट करेगा, अगर नहीं चाहता तो इसको सेलेक्ट नहीं करेगा। इस्लामियात नहीं, पाकिस्तान स्टडी, कंप्यूटर साइंस की वो चाहता है इंप्रूवमेंट दूं तो इसको सेलेक्ट कर लेगा। यहाँ पे है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की चाहता है, मैथ यहाँ पर है, मैथ की चाहता है, तो ये 3 सब्जेक्ट हो गए। अगर आप 4 करना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं तो ये इधर के कर देंगे। तो इस तरह आप जितने सब्जेक्ट में देना इंप्रूवमेंट चाहते हैं, 1 या 2 या 3 या तमाम 8 के 8 वो सिलेक्ट कर लेंगे। सबमिट का बटन दबाएंगे, क्लिक करेंगे तो आपके पास चालान जनरेट हो जाएगा। चालान को आपने थ्रू इजी पैसा सर्विसेज जो फेडरल बोर्ड ने ऑफर किए हैं वहाँ से आप सबमिट करवा देंगे। ठीक हो गया। आपके पास ये आपके पास बहुत ईजी तरीका है सेकेंड एनुअल में अप्लाई करने का। ठीक है, अगर हम वेबसाइट पर जाएँ तो वेबसाइट पर आपके पास जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको इजी पैसा का ऑप्शन मिल जाएगा, तो वो आप उसके थ्रू अपना चालान पे कर दिएगा। ठीक है, अब जैसे मैंने क्लिक कर दिया तो ये तमाम रेड ऑप्शन आ गए कि ये फिल करना आपके लिए कंपलसरी है। ठीक हो गया। तो ये प्रोसीजर है आपका सेकंड एनुअल में अप्लाई करने का। इजी पैसा का जब प्रॉपर्ली नेट काम कर रहा होगा तो मैं इंशाल्लाह दोबारा बता दूंगा आपको।